विज्ञापन जो हर कंपनी में एक अहम भूमिका निभाते हैं, जैसे कंपनी को प्रमोट करने के लिए, प्रोडक्ट को मार्केट में फैलाने के लिए और अपना ब्रांड नेम पॉपुलर करने के लिए। विज्ञापन पूरी दुनिया में किए जाते हैं, जिससे कंपनी को बेनिफिट्स भी होते हैं। आपका विज्ञापन जितना अट्रैक्टिव होता है, लोग आपके प्रोडक्ट की तरफ उतने ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो इसीलिए कंपनी कुछ ऐसे तरीके अपनाती है जो काफी यूनिक होते हैं। इसीलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे ही विज्ञापनों के बारे में बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मैकडोनाल्ड। दोस्तों आज बिली बोर्ड पर विज्ञापन करना एक ओल्ड तरीका हो गया है, क्योंकि 2011 में मैकडोनाल्ड ने जिस तरीके से विज्ञापन किया वो वाकई काफी अलग और काबिले तारीफ था। दोस्तों मैकडोनाल्ड ने इसके लिए एक बिल्डिंग के बाहर बहुत बड़ी स्क्रीन लगा दी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है, तो सुनिए, इसमें एक वेबसाइट थी जिसका नाम पिक एंड प्ले था, जहां रजिस्टर करके पिंग पोंग गेम को इस बड़ी सी स्क्रीन पर खेल सकते थे। लेकिन आपको इससे पहले साइट से कुछ ऑर्डर करना होता था। मान लीजिए कि आपने एक बर्गर बुक किया और आपके प्रतिद्वंदी ने भी कुछ बुक किया। अगर आप दोनों ने 30 सेकंड तक बॉल को होल्ड कर लिया तो जो भी आपने ऑर्डर किया है वह है आपको फ्री में मिल जाएगा। ट्रॉपिकाना। दोस्तों संतरे और नींबू में कुछ मात्रा में करंट होता है, आपको मालूम ही होगा। अगर नहीं पता तो एल्यूमिनियम और कॉपर के टुकड़ों को ले लो और उन्हें सही संतरे में सही दूरी पर डाल के मल्टीमीटर पर चेक करने से आपको 2 एम्पियर तक का करंट देखने को मिल सकता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको यह क्यों बता रहा हूं, तो दोस्तों इसे बताने के पीछे मकसद यह था कि फ्रांस की एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने संतरों की मदद से एडवर्टाइजमेंट कर डाला। दोस्तों यह एडवर्टाइजमेंट ट्रॉपिकाना कंपनी का था, जिसमें कंपनी संतरे से निकले नेचुरल करंट का यूज एडवर्टाइजमेंट के लिए करना चाहती थी, जिसे देखने के लिए काफी लोग भी जमा हुए थे। स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लास। दोस्तों इन एडवर्टाइजमेंट के बाद अब जिस एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, वो है इन सबका बाप है, क्योंकि इस एडवर्टाइजमेंट के लिए कंपनी ने 20 करोड़ दांव पर लगा दिए थे। दोस्तों वैंकूवर की एक कंपनी है जो ऐसे ग्लास बनाती है जिन्हें तोड़ना नामुमकिन होता है, और अपने इन्हीं ग्लास का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कंपनी ने वैंकूवर शहर के वसी स्टॉप के बाहर ग्लास में 20 करोड़ रुपए रख दिए और यह लिख दिया कि जिसने इस ग्लास को तोड़ लिया यह 20 करोड़ रुपए उसके हो जाएंगे। तो फिर होना क्या था, पहले दिन से ही लोग हथौड़े गन और सारे हथियार लेकर उस ग्लास को तोड़ने के लिए आने लगे, लेकिन कोई भी उस ग्लास को तोड़ने में सफल नहीं हो पाया। दोस्तों इस एडवर्टाइजमेंट से कंपनी को काफी फायदा हुआ और उन्हें कई नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका भी मिला। रिबॉक। दोस्तों 2016 में स्वीडन की एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी जिसका नाम एनिमल क्रिएटिव एजेंसी है, और इस कंपनी ने रिबॉक कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट का एक नया तरीका शुरू किया। इस कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए एक शोकेस स्वीडन की एक स्ट्रीट पर रख दिया, जिस पर रिबॉक के कुछ जूते मौजूद थे। यह शोकेस कोई आम शोकेस नहीं था, क्योंकि शोकेस में कुछ सेंसर्स लगे हुए थे जो आपके दौड़ने की स्पीड को मेजर करते हैं, और जो भी शोकेस के पास से 17 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ता हुआ निकल गया तो रिबॉक के ब्रांड न्यू शूज उसे फ्री में मिल जाते थे। राइज ऑफ टॉम राइडर। नवंबर 2015 में राइज ऑफ टॉम राइडर गेम को लॉन्च किया गया, और अगर आप गेम लवर हैं तो आप इस गेम से वाकई रूबरू होंगे। लेकिन अभी इस गेम की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि लंदन में इसका एडवर्टाइजमेंट एक अलग ही लेवल पर किया गया था। इस गेम का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए असली 8 लोगों को बिलबोर्ड पर खड़ा कर दिया गया था, और अलग अलग तरह की मुश्किलें उनके ऊपर डाली गयी, क्योंकि जो इस एडवर्टाइजमेंट में सबसे लास्ट में उतरता वह जीत जाता, और यह कंपटीशन पूरे 22 घंटे तक चला, जिसमें आखिर तक टिके रहने वाले शख्स ने विजय हासिल की। दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल के बटन को सेलेक्ट करें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएं। धन्यवाद।